भेड़िये कुत्तों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? पशु परिवारों की बात करें तो कुत्ते और भेड़िये वास्तव में बहुत ही निकट से संबंधित हैं, लेकिन केवल क्योंकि वे परिवार हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि वे साथ हो जाते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो भेड़िये कुत्तों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और वो उनसे इतनी नफरत करते हैं कि वो मौका मिलने पर कभी भी कुत्तों पर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर कुत्ते ऐसा नहीं करते हैं, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? भेड़िये वास्तव में कुत्तों से इतनी नफरत करते क्यों हैं? हम आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप में से अधिकांश लोग सोच सकते हैं कि आप पहले ही इसका उत्तर जानते हैं। मेरा मतलब है भेड़िये शिकारी होते हैं। बेशक भेड़िये शिकारी होते हैं, उनके पास एक शिकारी प्रवृत्ति है, लेकिन वास्तव में इसमें सब कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुत्तों पर हमला करने के पीछे भेड़िये का मकसद चलो जानते हैं। कुत्ते उसी परिवार के हैं जिस परिवार के भेड़िये हैं, वे भी भेड़िये की तरह ही शिकारी होते हैं। तो भेड़िये कुत्तों पर हमला कैसे कर सकते हैं? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुत्ते भेड़ियों की तरह अव्यवस्थित या आक्रामक नहीं होते हैं। एक और कारण यह भी है कि भेड़िये कुत्तों के विपरीत भूख से प्रेरित होते हैं, और जब एक शिकारी भूख से प्रेरित होता है तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वास्तव में बहुत भीषण, खासकर सर्दियों में जब बहुत सारा खाना उपलब्ध नहीं होता है, तब भेड़िये काफ़ी खूंखार हो जाते हैं। उस समय क्या प्राप्त करना आसान है? जंगल में भालू से लड़ने वाला खरगोश या रस्सी से बंधा हुआ कुत्ता? मुझे लगता है हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि एक रस्सी से बंधा हुआ कुत्ता एक आसान ऑप्शन है, और यही कारण है कि भेड़िये सर्दियों में उनमें हमला कर देते हैं। लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ भेड़िये कुत्तों पर हमला करते तो हैं, लेकिन उसके मांस को छूते या खाते नहीं हैं। ये अजीब लगता है ना? आइए देखें वे ऐसा करते क्यों हैं। उसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि भेड़िये का दिमाग कैसे काम करता है। एक शिकारी होने के नाते उसके पास एक अजीब संकल्पना है। उन्हें हमेशा लगभग 300 मील की टेरिटोरियल रेंज और 300 मील की किलिंग रेंज की आवश्यकता होती है। अगर कोई इंसान उनकी मांद के इतना करीब है तो वो उसके पीछे आ जाएंगे। भेड़िये का मस्तिष्क ऐसे काम करता है, और यही हाल है घरेलू कुत्तों का भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भेड़िये कुत्तों को अपना भोजन प्रतियोगी के रूप में देखते हैं, एक प्रतियोगी जो आक्रमण करना चाहता है जो उनके भोजन पर, और जब वो ऐसा सोचते हैं तो उनके पास उन पर हमला करने के अलावा कोई और विकल्प होता ही नहीं है। और यह हमला भेड़िये उन्हें खाने के लिए नहीं करते हैं, वे केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि कुत्ते उनके भोजन या उनकी भूमि पर अतिक्रमण करें। निश्चित रूप से आमतौर पर अधिकांश भेड़ियों के लिए यह सीमा कुल 300 मील के आसपास होती है, लेकिन कुछ मामलों में, कुछ डोमेन्स में इस विस्तार को सैकड़ों किलोमीटर तक देखा गया है। और यह विशाल टेरिटोरियल रेंज के चारों ओर यदि एक प्रतियोगी देखते हैं तो उसे खत्म करने से पहले सोचते नहीं हैं। वास्तव में भेड़िये अकेले ऐसे जानवर नहीं है जो इस तर्क के साथ रहते हैं। वास्तव में सभी तरह के शिकारी अत्यंत पारदर्शी होते हैं, उनमें कोयोट, शियार और लोमड़ी भी शामिल है। और जब भेड़ियों की बात आती है तो वे बेहद मजबूत और तेज ताकतवर होते हैं, और यही मुख्य कारण है कि हम एक कुत्ते द्वारा भेड़िये पर हमला करने के बारे में कभी नहीं सुनते, जबकि दूसरी ओर भेड़िये कुत्तों पर कभी भी हमला कर देते हैं। यह हमेशा दूसरा तरीका है चारों तरफ, और यह सिर्फ इसलिए है कि कुत्तों के पास उनके खिलाफ कोई मौका ही नहीं है। भेड़िये बहुत मजबूत होते हैं कुत्तों की तुलना में। बेशक बहुत ही दुर्लभ मामलों में एक कुत्ते ने एक भेड़िये पर सफलतापूर्वक हमला किया हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मामला हुआ है जब किसी कुत्ते ने हमला किया हो और वो भेड़िये से जीत गया हो। बेशक आप किसी भी ऐसी चीज़ पर हमला क्यों करेंगे जो आपसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हो, है ना? लेकिन सभी शत्रुता के बावजूद ऐसे दुर्बल मामले भी हैं जब कुत्ते और भेड़िये दोस्त बन जाते हैं और शांति से रहते हैं। आखिरकार वो एक परिवार ही तो हैं। चलिए इस नोट पर आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एक बहुत बहुत बड़ा थम्सअप ज़रूर दें।
और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली बार। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।